गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पिक्टोग्राफ और टेलीचार्ट ड्रॉ करना सिखाया था तो आज मैं आपको एक्सरसाइज फिफ्टीन बी के क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू में बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन को बताऊंगी तो यहां देखिए बार ग्राफ बना हुआ है इस बार ग्राफ को देखते हुए हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना है ओके चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड शोज रन कोड इन सिक्स ओवर्स ऑफ ए बॉलर इन आई पी एल नाउ आंसर द क्वेश्चन यहां पे जो बार ग्राफ बना है ये शो कर रहा है बार ग्राफ कि सिक्स ओवर्स में कितने रन्स बनाए गए ओके okay? तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ ओवर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ओवर्स है एंड हियर इज नंबर ऑफ रन और यहां दिया है वन स्क्वायर इज इक्वल टू वन रन मीन्स ये जो वन स्क्वायर है इसका मतलब वन रन है ओके okay? यहां देखिए नंबर ऑफ रनस है टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व ये वन से स्टार्ट है वन टू थ्री फोर ओके और यहां है नंबर ऑफ तो यहां पहले हम क्या करेंगे देखेंगे फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए गए हैं फर्स्ट ओवर में यहां पे ये जो बार है, first का वो यहां पे आता है इस नंबर पे फोर इट मीन की फर्स्ट ओवर में फोर रन बनाए हैं तो हमने फोर लिख दिया सेकेंड ओवर में सेकेंड ओवर का हम बार देखेंगे यहां पे है यहां पे आके स्टॉप होता है ये कौन से नंबर पे आया है टेन ओके सेकेंड ओवर में टेन रन बनाए गए हैं थर्ड ओवर में ये जो बार है ये एट पे आता है एट का जो लाइन है यहाँ देखिए थर्ड ओवर में एट रन फोर्थ ओवर में सिक्स रन फिफ्थ ओवर में यहाँ पे आता है ये जो बार ग्राफ है बार है ये ट्वेल्व पे आता है ट्वेल्व रन एंड सिक्स ओवर में टू रन्स ओके तो यहां देखिए हमने यहाँ पे रफ के लिए यहां पे आंसर करने के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको यहां पे बता दिया कि फर्स्ट ओवर में फोर रन्स बने सेकेंड में टेन रन्स थर्ड में एट फोर्थ में सिक्स फिफ्थ में ट्वेल्व एंड सिक्स में टू रन्स ओके okay? अब हम क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर ए इन विच ओवर डिड द बॉलर गिव द मोस्ट रन्स कौन से ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाया गया ओके कौन से ओवर में तो ये देखिए सबसे ज्यादा रन कौन सा है इसमें बार देखिए यहाँ पे फोर टेन एट सिक्स ट्वेल्व टू तो ये जो ट्वेल्व है ये सबसे ज्यादा रन है ट्वेल्व रन है तो ये कौन से ओवर में है फिफ्थ ओवर में ओके तो हम लिखेंगे फिफ्थ ओवर नेक्स्ट बी इन विच ओवर डिड ही बॉल वेल अब यहां पे बोला जा रहा है कि कौन से ओवर में बॉलर बॉलिंग अच्छा किया मीन्स अगर बॉलर बॉलिंग अच्छा करेगा तो जो बैट्समैन है जो रन ले रहा है वो रन कम लेगा है ना अगर वो बॉलिंग अच्छा करेगा तो क्योंकि बॉलर ऐसा बॉलिंग करेगा कि बैट्समैन को रन नहीं लेने देगा ओके तो बॉलर ने बॉलिंग अच्छा कौन से ओवर में किया यहां देखिए मींस सबसे कम रन कौन से ओवर में बना तो सबसे कम रन यहां है टू रन बना है ओके कौन से ओवर में सिक्स ओवर में ओके तो यहां सिक्स ओवर में बॉलर ने अच्छा बॉलिंग किया ओके तो हम लिखेंगे सिक्स सिक्स ओवर सी इन विच ओवर द रन मेड व ट्वाइस द फर्स्ट ओवर अब यहां बोला जा रहा है कि कौन से ओवर में फर्स्ट ओवर में जो रन है उसका डबल है तो फर्स्ट ओवर का रन क्या है फोर रन है ओके okay? तो फोर का हम डबल करेंगे मीन्स फोर का हम ट्वाइस करेंगे फोर इंटू टू क्या आएगा फोर टू जट तो एट रन कौन से ओवर में बना है ये देखिए यहां है एट रन यहां बना है कौन से ओवर में ये थर्ड ओवर में है ओके okay? तो यहां हम लिखेंगे थर्ड ओवर डी हाउ मेनी टोटल रन्स डिड द बॉलर गिव इन हिज ओवर्स टोटल रनस कितना बना है सिक्स ओवर्स में हमें ये यह यहाँ फाइंड करना है तो यहाँ देखिए सारे ओवर का यहाँ रन्स मैंने यहाँ लिख दिया है ऊपर में तो इसे हम ऐड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल रन्स ये सिक्स ओवर्स में कितने बने थे फोर प्लस टेन फोर्टीन फोर्टीन प्लस एट ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस सिक्स ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट प्लस ट्वेल्व फोर्टी एंड फोर्टी प्लस टू फोर्टी टू तो टोटल रन कितने बने हैं सिक्स ओवर्स में फोर्टी टू रंस तो यहां हम लिख देंगे ओके फोर्टी टू ये था क्वेश्चन नंबर वन हमने बार ग्राफ को देखते हुए आंसर किया नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ क्लास फोर बी स्टूडेंट्स With perfect attendance for each of four terms, study it and answer the questions that follow. तो यहाँ देखिए बारग्राफ बना हुआ है ये हॉरिजॉन्टल वे में बारोग्राफ है ओके तो ये बारोग्राफ बना है क्लास फोर बी के स्टूडेंट्स का ओके उनके अटेंडेंस का बना हुआ है फोर टर्म्स हैं, इन फोर टर्म्स में क्लास फोर बी के स्टूडेंट्स का क्या अटेंडेंस है ये यह यहाँ पे इस बारग्राफ में बताया गया है ओके okay? तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और यहाँ है टर्म्स टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री एंड टर्म फोर फोर टर्म्स है यहाँ पे हम स्टूडेंट्स फाइंड कर लेंगे यहां देखिए टर्म वन टर्म वन का जो बार है वो कहाँ पे स्टॉप हो रहा है यहाँ पे ओके okay? तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं टर्म वन का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का अटेंडेंस क्या है ये देखिए कौन से लाइन पे आ रहा है यहाँ पे ओके okay? तो ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे है थर्टी सिक्स एंड फोर्टी तो यहाँ पे फोर का गैपिंग है थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट थर्टी नाइन फोर्टी तो यहाँ है थर्टी एट ओके टर्म वन में थर्टी एट स्टूडेंट्स हैं तो यहां मैंने थर्टी एट लिख दिया ओके टर्म टू टर्म टू का बार देखेंगे हम यहां पे है ये भी इक्वल है टर्म वन के ओके तो ये भी थर्टी एट है नाउ टर्म थ्री टर्म थ्री का हम बार देखेंगे ये यह यहां है यहां पे स्टॉप है तो ये कौन से नंबर पे आ रहा है थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स टर्म फोर ये टर्म फोर का हम बाहर देखेंगे ये यहाँ पे आया ओके यहाँ पे स्टॉप हो रहा है तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर आएगा फोर्टी यहाँ पे जैसे थर्टी सिक्स था थर्टी सिक्स थर्टी एट फोर्टी तो फोर्टी के बाद नेक्स्ट फोर्टी वन फोर्टी टू तो यहाँ पे है फोर्टी टू तो टर्म फोर में कितने स्टूडेंट्स हैं फोर्टी टू ओके तो हमने यहाँ पे सारे टर्म का यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिया है अब हम इसे देखते हुए यहाँ पे आंसर करेंगे क्वेश्चन को ए विच टर्म द बेस्ट अटेंडेंस कौन से टर्म में सबसे अच्छा अटेंडेंस है ये बच्चों का अटेंडेंस मैंने यहाँ लिखा है तो कौन से टर्म में अच्छा अटेंडेंस है थर्टी एट थर्टी एट थर्टी सिक्स फोर्टी टू सबसे ज्यादा अटेंडेंस अच्छा। फोर्टी टू है यहाँ पे कौन से टर्म में है अच्छा 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 अच्छा। टर्म फोर यहां हम लिखेंगे टर्म फोर बी हाउ मेनी पीपल्स हैड परफेक्ट अटेंडेंस इन टर्म वन टर्म वन में अटेंडेंस क्या है बच्चों का ये यहां पे पूछा जा रहा है ओके okay? कितने बच्चे का अटेंडेंस है टर्म वन में तो यहां पे टर्म वन का अटेंडेंस है थर्टी एट तो यहां पे हम लिखेंगे थर्टी एट ओके सी इन विच टर्म डिट थर्टी सिक्स पीपल्स है कौन से टर्म में थर्टी सिक्स स्टूडेंट्स का अटेंडेंस है थर्टी सिक्स तो यहां पर देखिये कौन से टर्म में है थर्टी सिक्स यहाँ है ये यह कौन से टर्म में है टर्म थ्री में ओके okay? तो यहाँ हम लिखेंगे टर्म थ्री डी इफ देयर वर फोर्टी फोर पीपल्स इन द क्लास हाउ मेनी डिड नॉट हैडेंस इन टर्म थ्री अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर क्लास फोर बी में टोटल स्टूडेंट्स हैं फोर्टी फोर टोटल पीपल्स हैं फोर्टी फोर टोटल हैं फोर्टी फोर और टर्म थ्री में अटेंडेंस है टर्म थ्री का थर्टी सिक्स तो कितने बच्चों का अटेंडेंस टर्म थ्री में नहीं हुआ ओके okay? तो फोर्टी फोर माइनस थर्टी सिक्स हम करेंगे है ना टोटल स्टूडेंट्स है फोर्टी फोर और टर्म थ्री का अटेंडेंस है थर्टी सिक्स तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने बच्चों का अटेंडेंस नहीं हुआ टर्म थ्री में फोर्टी फोर माइनस थर्टी सिक्स करेंगे देन हाउ मच एट तो हम यहाँ लिखेंगे एट पीपल्स ओके एट पीपल्स और एट स्टूडेंट ई

थर्टी एट सो फोर्टी टू माइनस थर्टी एट इज फोर फोर पीपल्स ओके तो टर्म वन से टर्म फोर में फोर पीपल्स का ज्यादा अटेंडेंस है फोर स्टूडेंट्स का ज्यादा अटेंडेंस है ओके सो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको एक्सरसाइज फिफ्टीन बी के क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू के बार ग्राफ को अभी बताया क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बताया कि हमें कैसे यहाँ पे देखना है और कैसे आंसर करना है तो आई होप कि आपको ये समझ में आया है इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी बुक में सॉल्व करोगे ओके थैंक यू